Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today's our topic is parts of a computer. जिस तरह human body different parts से मिलके बना है और हर एक part का अपना अपना काम है, इसी तरह computer भी different parts से मिलके बना है. There are four main basic parts of a computer. Computer के four main basic parts है हमारे पास. These all parts work together to make a computer work. ये सारे parts मिलके काम करते हैं, फिर computer काम करता है. Monitor, mouse, keyboard and CPU are the main parts of a computer. Keyboard, CPU, mouse, monitor, computer के four main basic parts है. Now, third one option मैंने क्या बताया था? Mouse. माउस क्या है? माउस इज आल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट. ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर हमने किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, मूव करना होता है. देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ अ माउस. माउस के फोर मेन टाइप्स है हमारे पास. नंबर फर्स्ट है टू बटन माउस. नंबर सेकेंड वन स्क्रोल माउस. नंबर थर्ड बाल माउस. नंबर फोर्थ ऑप्टिकल माउस. उसमें स्क्रोल हम यूज करते हैं एरो के अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए. बाल माउस में बाल को यूज किया जाता है मूवमेंट के लिए, जबकि ऑप्टिकल माउस में हम लाइट को यूज करते हैं. लेट्स मूव टू द मोनिटर. मोनिटर लुक लाइक अ टीवी. It shows the work done by the computer. It is also called a VDU. There are three types of a monitor. Monitor बिल्कुल टीवी की तरह ही दिखता है. ये हमें वो काम दिखाता है जो हमने कंप्यूटर पे किया है. इसको हम वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. इसके हमारे पास three types हैं. Number first one है CRT. Full name इसका क्या है? Cathode ray tube. ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है. नंबर सेकेंड वन LCD, लिक्विड क्रिस्टल डायोड. ये इससे कम पावर कंज्यूम करता है. नंबर थर्ड LED, लाइट एमिटिंग डायोड. ये उससे भी कम पावर कंज्यूम करता है. ये 40% कम लाइट यूज करता है. मोनिटर की कितने टाइप्स है? थ्री टाइप्स है. CRD कैथोड रे ट्यूब को आजकल हम यूज नहीं करते, अपने इस्तेमाल में ज्यादातर हम नहीं लाते. आजकल हम ये दो टाइप्स ही जस्ट यूज कर रहे हैं. एंड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज CPU. सेकेंड पार्ट कंप्यूटर का CPU है. CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जा सकता है. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. It's control all the function of the computer. CPU has three main parts. CPU ki three parts hai. Number first one MU, number second one CU and number third ALU. Now, MU memory unit. Memory unit hamare data aur information ko yahi hi save karta hai. CU control unit. कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक पुलिस की तरह ही काम करता है. फुल फंक्शंस को यही ही कंट्रोल करता है. नंबर थर्ड ALU. ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है और लॉजिकल ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है. अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस MU मेमोरी यूनिट. सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को यही मेमोरी यूनिट ही स्टोर करता है. कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. मेन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स, लेटर, सिंबल एटसेट्रा. देयर आर फोर मेन बेसिक की इन अ कीबोर्ड. बिट की, नंबर की, स्पेशल कीज एंड फंक्शंस की. ये कीबोर्ड की कीज है. कीबोर्ड की थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. नाउ वी मूव टू प्रिंटर. प्रिंटर यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू पेपर. इट कैन बी इन ब्लैक एंड वाइट आर इन कलर्स. द टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर.
प्रिंटर की 3 टाइप को डिस्कस किया है। प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर हमारे वर्क को पेपर पे उतार देता है। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस टू लिसन साउंड ऑन अ कंप्यूटर। स्पीकर को हम वायर के थ्रू कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और फिर इससे हम कंप्यूटर का साउंड सुनते हैं। स्कैनर, इट स्कैन अ डॉक्यूमेंट एंड सेंड टू द कंप्यूटर, दैट इज अपोजिटिव टू अ प्रिंटर। प्रिंटर क्या काम करता है? कंप्यूटर के वर्क को हमारे लिए पेपर पे उतारता है, जबकि स्कैनर हमारे काम को स्कैन करके कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देता है। क्या करता है? कंप्यूटर की तरफ ये सेंड कर देता है। PS, UPS is term as uninterrupted power supply. ये अगर बिजली चली भी जाए तो ये हमारे लिए काम कर देता है, तो ये भी कंप्यूटर का मेन पार्ट ही है।